मेरे दादा भी नाई थे, मेरे फादर भी नाई हैं, मैं भी नाई हूँ, हमारी एक लेगेसी है नाइयों की। तो ये सोचा कि मुझे हेयर प्रोफेशन या नाई के प्रोफेशन को सिस्टम में लेके आना है, और ये जिस दिन सिस्टम में आ जाएगा ना, मैं बालों का मैकडॉनल्ड बन जाऊंगा। चार प्रोसेस है, अगर ये चार प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, किसी का बाल पाका नहीं हो सकता। फॉलो कीजिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ कोई आदमी गंजा नहीं होना चाहिए। मेरे दादा भी नाई थे, मेरे फादर भी नाई हैं, मैं भी नाई हूँ, हमारी एक लेगेसी है नाइयों की। और लोग इसको बहुत छोटा प्रोफेशन सोचते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये साइंस है। दुनिया के अंदर सबसे पहला प्रोफेशन नाई का प्रोफेशन, और जब तक दुनिया चलेगी ना, बाल काटना कभी बंद नहीं होगा। तो इसका मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हमारी पूरी जनरेशन बाल काट रही है और हम लोग नाई हैं। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं हेयर स्टाइलिस्ट बनने वाला हूँ या हेयर एक्सपर्ट बनने वाला हूँ। मैंने अपनी मास्टर किया था फ्रेंच के अंदर, और मैं प्लान कर रहा था होटल मैनेजमेंट करूँगा, लेकिन जब मैं लंदन गया, मुझे फोर्स किया गया लंदन जाने के लिए कि आप जाके एक बाल काटने का प्रोफेशन का कोर्स करो। लेकिन वहाँ जाके मैंने महसूस किया कि जो प्रोफेशन है ना, बहुत बड़ा प्रोफेशन है, और तब मैंने रियलाइज़ किया कि यस, मैं इसका प्रोफेशनल बन सकता हूँ। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि मैंने मैकडॉनल्ड में काम किया। अभी मैं सोचता था कि मैकडॉनल्ड चलता कैसे। मैकडॉनल्ड चलता है सिस्टम के थ्रू। तो एक साइड तो मैं कोर्स कर रहा हूँ बाल काटने का, एक साइड मैं काम कर रहा हूँ मैकडॉनल्ड का। तो मतलब ये सोचा कि मुझे हेयर प्रोफेशन या नाई के प्रोफेशन को सिस्टम में लेके आना है, और ये जिस दिन सिस्टम में आ जाएगा ना, मैं बालों का मैकडॉनल्ड बन जाऊँगा। इस तरह इसकी शुरुआत होती है। चुनौती सिर्फ एक ही थी कि ये इतना छोटा प्रोफेशन है, इसको बड़ा कैसे बनाएं। और उसके अंदर मुझे लगता है कि कोई भी प्रोफेशन को बड़ा करने के लिए आपको एक ही चीज़ की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, वो क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। तो मैंने इसके अंदर एजुकेशन डाला, बिकॉज लोग इसको बोलते थे बाल काटना आर्ट है। मैं बोलता हूँ बाल काटना आर्ट नहीं है, बाल काटना साइंस है। और साइंस कब बनेगा? जब इसके अंदर एजुकेशन आएगा। तो मैंने सेमिनार करने शुरू किए, मैंने वर्कशॉप शुरू की, सब जगह जाना शुरू किया, और मैं वहाँ जाके सेमिनार करता था। और लोग सोचते थे नाई का भी सेमिनार होता है, ये चुनौती थी। ग्रेजुअली आई थिंक लोगों का जो नंबर था 4 का 5 का 6 का, ये 100 में बनना शुरू हो गया, 200 में बनना शुरू हो गया। बट इसको यहाँ पहुँचने के अंदर टाइम बहुत लगा। तो चुनौती क्या थी? एक नाई का प्रोफेशन नंबर क्या था, दूसरा सेमिनार में लोग कैसे क्यों आएंगे सीखने के लिए, क्या सिखाएंगे बाल। तो चुनौती थी इस प्रोफेशन को कैसे चेंज करना है। सो इट हैज टेकन अ टाइम एंड एजुकेशन। मैं तय नहीं करता हूँ, जब मैं बालों को टच करता हूँ, बाल मुझे खुद बताते हैं कि मुझे क्या करना है। तो मैं तो ना तो क्लाइंट का फेस देखता हूँ, ना क्लाइंट का राउंड फेस देखता हूँ, मैं सब उसके बालों को टच करता हूँ। ये जो टच है ना, ये मुझे बताता है कि मुझे क्या करना है, और मुझे बताता नहीं है, खुद हो जाता है। तो बाल मुझे डायरेक्शन करते रहते हैं, मैं बालों के साथ बात करता रहता हूँ और बाल करते चले जाते हैं। लोग बोलते हैं कि पता नहीं क्या स्टाइल बना है, पर मैं बोलता हूँ ये पागलपन है। और ये पागलपन कब आता है? जब आपको उसको फील करना आता है। देखिए, मुझे लगता है महिलाएं हों या मर्द हो, जब लुक की बात आती है हर आदमी फंसी है। और जितने मुश्किल बाल हैं आदमी इतना फंसी है, जितने कम बाल हैं आदमी इतना फंसी है। तो मुझे लगता है कि हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि महिलाएं फंसी हैं, इंसान फंसी है फॉर ए लुक। क्योंकि जब वो शीशे के सामने बैठता है ना, वो क्या सोचता है? बिकॉज उसको कुछ नजर नहीं आता कि वो कौन है। उसको एक ही चीज़ नजर आती है, मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ, मैं सबसे खूबसूरत इंसान हूँ, मैं सबसे हैंडसम इंसान हूँ। आई थिंक ये हमें सोचना चाहिए। तो फस्सी आपके बाल बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके बाल अच्छे नजर आ रहे हैं, आप फस्सी कहाँ हैं? आप तो खूबसूरत हैं, आप तो हैंडसम हैं। मैंने JNU से मास्टर, मैंने फ्रेंच में लैंग्वेज में कुछ किया है, और मैं क्रिकेट खेलता था। इनफैक्ट मैंने माइनर काउंटीज भी खेली हैं, शायद पता नहीं कितने लोग इस चीज को जानते हैं। बट जिस दिन मैंने बैट पकड़ना छोड़ दिया, मैंने कैंची को उठा लिया, तो जो बैट काम करता आज से 30 साल पहले, वही मेरी कैंची काम कर रही है। वहां तो बहुत सारे प्लेयर हैं, यहाँ एक ही प्लेयर है कैंची वाला, जावेद अभी। ये प्रोफेशन इतना बड़ा है, कभी भूखे नहीं मरोगे। कोविड के अंदर सारे लोगों ने सारे काम किए, गाड़ियां साफ की, खाना बनाया, घर साफ किए, क्या क्या काम नहीं किए, कोई बाल नहीं काट पाया। तब लोगों को पता चला कि हमारी कितनी इंपॉर्टेंस है, और ये इंपॉर्टेंस आपको कहाँ लेके जा सकती है। ले लो इस प्रोफेशन को, आज ही ले लो, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है। कब क्या होगा, कब कोविड वापस आएगा, हमें किसी को कुछ नहीं पता है। तो मैं यही बोलूंगा, शर्म मत करो, कुछ करो, और जो आपके हाथ में आ जाता है ना, उसको लेके करो। और सबसे अच्छी कैंची है, ये कैंची है ना, कपड़े काटती है तो आपके अंदर देखो एक सेंस आता है। ये कैंची आपकी आईब्रोज काटती, मतलब मेरी कैंची में कितनी पावर है। ये जो कपड़े है ना, उसमें भी कैंची चाहिए, बालों में भी कैंची चाहिए, जूते बनाने में भी कैंची चाहिए। मतलब बिना कैंची के दुनिया चलने वाली नहीं है। इस कैंची की पावर सुन लीजिए। ये जो बाल है ना, ये आपका क्राउन है। जब हम लोग सुबह सो के उठते हैं ना,
हम लोग कुछ नहीं करते, पर हम लोग सारे के सारे कहां जाते हैं, शीशे पे जाते हैं और क्या करते हैं, हाथ चलाते हैं। तो अगर आपकी पहली लुक अच्छी है ना, आपका पूरा दिन अच्छा है। और रात को सोने से पहले हम लोग क्या करते हैं, दोबारा शीशे पे जाते हैं, बिकॉज हमें अच्छे ड्रीम लेने हैं, और क्या करते हैं, दोबारा हाथ चलाते हैं। इसका मतलब दिन की शुरुआत बाल होती है और रात की शुरुआत बाल होती है, मतलब दिन की शुरुआत जावेद हबीब है और रात की शुरुआत भी जावेद हबीब है। इस चीज को याद रखिए। नंबर टू, बाल टूटने का इश्यू सबके साथ में है। मैं बोलूं कि बहुत महंगे शैंपू लगाओ, गलत है। मैं बोलूं तेल लगाओ, गलत है। पता है इसका आंसर क्या है, एक ही वर्ड के अंदर, सफाई। मतलब आपको रोज शैंपू करना पड़ेगा। कौन सा शैंपू करना पड़ेगा ये मुझे नहीं पता है। उसका तरीका सुन लीजिए, चार प्रोसेस है। अगर ये चार प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। पहले बाल गीले करेंगे, ध्यान से सुनिए, पहले बाल गीले करेंगे, तेल लगाएंगे। कौन सा तेल लगाएंगे, सरसों का तेल सबसे अच्छा। फिर क्या करेंगे, 5 मिनट वेट कर लेना, वेट करना बहुत जरूरी है। फिर क्या करेंगे, शैंपू करेंगे। कौन सा शैंपू करेंगे, जो आपको पसंद है। अगर ये चार चीजें रोज करेंगे ना, आपके बाल नहीं टूट सकते। दुनिया की सबसे अच्छी कॉस्मेटिक पता क्या है, ये मेरे चार प्रोसेस फॉलो कीजिए, बिकॉज मैं चाहता हूं कोई आदमी गंजा नहीं होना चाहिए। और मैंने अपने दादा को देखा है, वो जाते थे सुबह सुबह साइकिल पे जाते थे, और उनके क्या होते, उनके जो औजार थे ना, जिसमें रेजर होता था, उस टाइम औजार बहुत कम होते थे, जिसमें कंघा होता था, जिसमें कैंची होती थी, वो एक व्हाइट टॉवल के अंदर रैप करके लेके जाते थे, और उनकी एक यूनिफॉर्म थी। बिकॉज जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, यूनिफॉर्म होती है। तो मेरे दादा की भी एक यूनिफॉर्म थी, वो साइकिल पर जाते थे। तो मुझे अभी तक वो याद है कि मेरे दादा रोज जाते थे, पता चलता था कि ये बाल काटने जा रहे हैं, और किसके बाल काटने जा रहे हैं हमें नहीं पता था, बट पहचान ये थी कि कैंची हाथ में है ना, औजार हाथ में है, तो ये बाल काटने जा रहे हैं। तो मेरा बचपन वहां गुजरा। फिर हम लोग वहां से मूव आउट हुए, होगा मैं शायद 7-8 साल का होऊंगा। फिर मेरे फादर यही काम करते थे, वो काम करते थे बाइक के ऊपर, वो बाइक पर जाते थे। देखा डिफरेंस क्या, एक जगह साइकिल पर जा रहा है, एक जगह बाइक पर जा रहा है। और वो सामान लेके नहीं जाते थे, वो काम करते थे एक होटल के अंदर, जहां वो एक हेयरड्रेसर थे। बट ये यादें मेरे दिमाग में अभी भी है, दादा कैसे काम करते थे, मेरे फादर कैसे काम करते हैं, मैं कैसे काम करता हूं। बिकॉज आई थिंक विद द एज हाथों की लैंग्वेज सेम है, आपकी लैंग्वेज चेंज हो रही है, और लैंग्वेज आपके कपड़े चेंज हो जाते हैं, आप कैसे काम करने जा रहे हैं वो चेंज हो जाता है, लेकिन बेसिक तो सेम ही था ना। बेसिक क्या था, स्किल कभी चेंज नहीं हुई। तो मेरे दादा की स्किल भी सेम थी, मेरे फादर की स्किल भी सेम है, और मेरी स्किल भी सेम है, और ये जितनी मेरी टीम काम कर रही है सबकी स्किल सेम है। तभी मैं क्या बोलता हूँ, स्किल इंडिया इज द बेस्ट थिंग।